भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती और देश में बेरोजगारी के बढ़ते स्तर को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी कि मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकसभा चुनाव के बाद श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को भी मायावती ने आड़े हाथों लिया है। मायावती ने ट्वीट किया कि श्रम मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव के बाद अब अपने डेटा से इस बुरी खबर को प्रमाणित कर दिया है कि देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक 6.1% पर पहुंची है। परंतु बेरोजगारी के शिकार करोड़ों लोगों द्वारा अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस ट्वीट के बाद मायावती ने दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, साथ ही देश के लिए यह भी अच्छी खबर नहीं है कि भारत के आर्थिक विकास की दर घटकर 5.8% होकर काफी नीचे चली गई है। जीडीपी विकास की यह दर कृषि और फैक्ट्री उत्पाद में भारी गिरावट का परिणाम है। पहले से ही काफी त्रस्त देश की गरीब जनता के जीवन का सही कल्याण कैसे होगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी।